हेलो दोस्तों दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ जो जॉब्स एंड रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप JKPSIFA या फिर VLW की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपके लिए पंचायती राज सिस्टम पे एक वीडियो सीरीज बनाई है और इस पे हमने चार वीडियोस अपलोड की हैं जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की नोटिफिकेशन की तरफ। ये जॉब नोटिफिकेशन हाईकोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की तरफ से आई है। एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2022 डेटेड 19 नवंबर 2022 और यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है ये है सिविल जज जूनियर डिवीजन मुनसिफ और ये जो पोस्ट रहेगी ये एडहॉक बेस रहेगी। इनके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 20 नवंबर 2022 से और लास्ट डेट रहेगी 19 दिसंबर 2022। यहाँ पर जो फी रखी गई है वो है 300 रुपी और जो पोस्टें टोटल निकाली गई हैं वो हैं 65। कैटेगरी वाइज हम देखते हैं किस किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें निकाली गई हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पे स्केल की, ये 27,700 से लेकर 44,770 के दरमियान रहेगी। टोटल वैकेंसी 65 है और इनमें ओपन मेरिट के लिए 33 निकाली गई हैं, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 6, आरबीए के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, पीएसपी के लिए 3, LAC के लिए 2, सोशल कास्ट के लिए 2 और टोटल 65 रखी गई हैं। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट बात की, वो है क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कि जो भी एप्लीकेंट रहेगा, कैंडिडेट रहेगा, वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी या फिर लद्दाख यूटी का डोमिसाइल होना चाहिए। बात करेंगे क्वालिफिकेशन की तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर बैचलर्स ऑफ लॉ रखी गई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जो एज रखी गई है जो कैंडिडेट रहेगा जो इन पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसकी एज 32 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो क्राइटेरिया एडा के लिए रखा गया है कि ये जो कैंडिडेट अपॉइंट किए जाएंगे ये 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे या तब तक जब तक कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होती है, तो जो भी पहले आएगा पहले उसी क्राइटेरिया को फुलफिल किया जाएगा। और इसके अलावा अप्लाई करने का जो तरीका है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही रहेगा जो कि आप jkhaiko.nic.in से कर सकते हैं। सिर्फ ऑनलाइन मोड ही आपके लिए अवेलेबल रहेगा। बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं इसमें वो आप खुद से पढ़ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस PDF को डाउनलोड करें। PDF की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक इम्पोर्टेंट अपडेट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट की तरफ से। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।